हिंदुस्तान पाकिस्तान से अलग देश बनाने की मांग क्यों करता रहा है? रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि पीओके के लोग भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। आज पीओके और बलूचिस्तान भारत के लिए क्या मायने रखते हैं, आइए समझते हैं। भारत में 28 स्टेट्स हैं, वैसे ही पाकिस्तान में 4 प्रोविंस हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। पाकिस्तान के टोटल लैंड एरिया का 40% बलूचिस्तान है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 5% ही यहाँ रिसाइड करता है। पूरे पाकिस्तान में सबसे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ और पानी की समस्या इसी रीजन में है। पर इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी बलूचिस्तान खास इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में मिलता है। बलूचिस्तान नेचुरल रिजर्व्स में भरपूर है। गोल्ड, कॉपर और पेट्रोलियम रिजर्व्स पूरे बलूचिस्तान में जगह जगह फैले हुए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से रीजन में और भी डिपॉजिट्स मिलने की संभावना है। बलूचिस्तान की सुई गैस की वजह से ईरान और मिडिल ईस्ट का ध्यान पाकिस्तान की ओर आकर्षित हुआ था और 20वीं सदी में पाकिस्तान में हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन का मुख्य कारण बना। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने उनसे रिसोर्सेज तो लिए, पर बदले में रीजन के डेवलपमेंट और लोगों को रोजगार देने से जुड़े कोई काम नहीं किए। चीन का बलूचिस्तान में इंटरेस्ट का कारण है दक्षिणी बलूचिस्तान। चीन का वेस्टर्न हिस्सा लैंडलॉक्ड है। पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए चीन सिल्क रूट यूज करता है, जिसकी वजह से ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस बढ़ जाता है। चीन ने साल 2015 में इसका समाधान ढूंढते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम करना शुरू किया। CPEC 2442 किलोमीटर की एक सड़क है जो चीन के शीजी यांग शहर को पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट से जोड़ती है। ग्वादर पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत पास है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर रोज दुनिया की टोटल पेट्रोलियम जरूरत का 20% गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए शिप्स मिडिल ईस्ट और यूरोप के अन्य देशों तक जाती हैं। CPEC की मदद से चीन और गल्फ कंट्रीज के बीच का ट्रैवल टाइम 10 दिन तक कम हो जाएगा। लेकिन भारत इस कॉरिडोर का विरोध करता रहा है, क्योंकि CPEC की यह सड़क पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरती है। बलूचिस्तान के लोग भी CPEC के सख्त खिलाफ हैं। ग्वादर एरिया की एक बड़ी आबादी जीविका के लिए मछली पालन पर निर्भर करती है, लेकिन पाकिस्तान ने चीनी नावों को यहाँ मछली पकड़ने का लाइसेंस दे दिया है। बलूचिस्तान के लोगों को डर सता रहा है कि CPEC के पूरा होने के बाद चाइना और पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे और आखिर में एक बड़े डेमोग्राफिक बदलाव के बाद वे अपने ही घर में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। हाल ही में बलूच फाइटर्स ने चीन के खिलाफ ये धमकी भरा वीडियो रिलीज किया था। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग के पीछे उनका तर्क है कि उनकी भाषा और कल्चर पाकिस्तान की बाकी पॉपुलेशन से बहुत अलग है। वैसे बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट देश बनाने की मांग पुरानी है। 1947 के पहले बलूचिस्तान ब्रिटिश शासन के अधीन था। अंग्रेजों से आजादी पाने के बाद बलूचिस्तान के पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या इंडिपेंडेंट स्टेट बनने का विकल्प था। बलूचिस्तान के राजा ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने बाय फोर्स बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1958 के पहले बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर ओमान के सुल्तान का शासन था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के प्रमित पाल चौधरी हैं कि ओमान के सुल्तान ने PM नेहरू को बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन पंडित नेहरू के ऑफर डिक्लाइन करने के बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को खरीद कर पाकिस्तान में मिला लिया। पर इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की डिमांड अभी भी जारी थी। पाकिस्तान का बलूचिस्तान रीजन के डेवलपमेंट के प्रति बढ़ते नेग्लिजेंस के साथ जनता का आक्रोश भी बढ़ता गया। अब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आक्रोश इस चरम पर है कि बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी की सिविलियंस को टारगेट करने की खबरें सामने आती रहती हैं।